हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे मेथी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। स्पेशली हम मेथी के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि आप मेथी का यूज़ जो है, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं, तो कैसे करें। उसके लिए हम मेथी के बारे में बात करेंगे, मेथी को कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, मेथी में क्या क्या पाए जाते हैं और उसके स्पेशल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जो स्पेशली जो है यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ वेट लॉस। तो चलिए बात करते हैं कि मेथी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है प्रिवेंट द ओवर ईटिंग। मेथी में सबसे पहले तो सोलुबल फाइबर पाया जाता है। उसके अंदर सोलुबल फाइबर का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है ओवर ईटिंग करता है, मतलब जो है अपने आप को प्रिवेंट करता है कि हम कहीं ज़्यादा ना खा लें, उसमें वो हेल्पफुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो वो प्रिवेंट करता है कि ताकि आप अपने आप को ओवर ईटिंग से बचा सके, क्योंकि जब आप ओवर ईटिंग करेंगे खाना ज़्यादा हो जाएगा और वो खाना हमारी बॉडी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे 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 हमारा वेट भी बढ़ सकता है। तो इसलिए अगर आप अपने आप को ओवर ईटिंग से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप हर दिन मेथी खाना स्टार्ट कर दीजिए। मेथी कैसे खाना है, क्योंकि हर एक चीज़ के खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर हम उस प्रॉपर वे को फॉलो करते हैं तभी वो हमारी बॉडी में बेनिफिटेड होता है, मतलब बेनिफिट रोल परफॉर्म करता है। अगर हमें खाने के तरीके के बारे में नहीं पता होगा तो हम प्रॉपरली उनका यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो कोई इंपॉर्टेंट रोल ही हमारी बॉडी में नहीं परफॉर्म करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि हम आपको लास्ट में ही बताएंगे कि मेथी कैसे खाना है। दूसरा बेनिफिट जो है वो है हेल्प इन द फैट बर्निंग। बहुत सारे लोग हैं, अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 90% लोग ऐसे हैं, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग ही 90% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अपने मोटापे से ही परेशान हैं। आप मोटे क्यों होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल नहीं अच्छी होगी, आपके खाने पीने के तरीके नहीं सही होंगे, आप बाहर का चीज़ में भी ज़्यादा खाते होंगे, बहुत सारे लोग इसकी वजह से मोटे होते हैं। बहुत सारे लोग अगर जो है कोई मेंटल प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, या माइंड में कोई प्रॉब्लम उसकी मेडिसिन, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी मोटापा बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस फैट को रिड्यूस नहीं कर सकते, उस फैट को आप इजिली रिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आपको एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। तो अपने फैट को बर्न करने के लिए, फैट के अंदर के फैट को जलाने के लिए भी आप मेथी सीड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इम्प्रूव द डाइजेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भूख नहीं लगती है, उनकी यही प्रॉब्लम है, हमें भूख नहीं लग रही है। आपने मे भी बहुत सारे मेडिसिन भी इस पर्पस के लिए यूज़ किया होगा या यूज़ कर रहे होंगे, तो मेडिसिन यूज़ करने से आपकी भूख नहीं बढ़ेगी। आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा या कुछ नेचर की दी हुई चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप मेथी सीड का अगर यूज़ करते हैं, हर दिन मेथी सीड खा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी आप मेथी सीड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है लो द बैड कोलेस्ट्रॉल। जो अंदर के अंदर बैड, मतलब हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL। HDL तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL लेकिन हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी आप मेथी सीड का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम हो जाएंगे, और भी जो प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। साथ साथ में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर वो हर दिन मेथी, मतलब जैसे उनको पता चल गया कि हमें डायबिटीज़ हो गया है, मतलब अभी प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ अभी स्टार्ट ही हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि तुरंत बढ़ ही जाएगा, इतने जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो आपको जब पता चल जाए कि आपको डायबिटीज़ हुआ है, उसी दिन से आप क्या करिए, हर दिन मेथी पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे बनाना है भी बताते हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे।
तो मेथी पानी अगर आप हर दिन पी रहे हैं तो धीरे धीरे ये आपके अंदर जो ग्लूकोज के नंबर्स बढ़े हैं उन्हें धीरे 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 रिड्यूस कर देगा। तो स्पेशली जो भी वीडियो सुन रहा अगर उसके घर में रिलेटिव्स में या आप खुद ही एक डायबिटिक पेशेंट है तो आज से इसका यूज करना स्टार्ट कर दीजिए और दूसरों तक भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि मेथी का यूज अगर हम डायबिटिक पेशेंट के लिए कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट को दे रहे हैं तो कितनी जल्दी उनके अंदर का जो ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे 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 रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है वो इम्प्रूव द मसल पावर। आप अपनी मसल परफॉर्मेंस, मसल पावर को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी मसल बॉडी नहीं बनती है तो आप उसे भी बढ़ा सकते हैं मेथी सीड का यूज करके। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है प्रिवेंट द हेयर फॉल। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो उस पर्पज के लिए भी आप मेथी का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट है वो है अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुका है उसे भी कम करने के लिए भी आप मेथी का यूज़ कर सकते हैं। मेथी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होता है वो है इसके अंदर सोलूबल फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, विटामिन ए, फॉस्फोरस, आयरन और पोटेशियम। इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है मेथी के अंदर पाए जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं तो हमने पूरे बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि मेथी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, यूज कैसे करना है। एक चम्मच, बहुत तरीके हम आपको बताएंगे यूज करने के। रात में 1 टेबल स्पून आपको मेथी जो है जितना पानी आप पी सके उतने पानी में 1 चम्मच मेथी भिगो दीजिए। जो 1 टेबल स्पून आता है जिससे आप खाते पीते हैं वो वाला 1 टेबल स्पून ले, नहीं बड़ा वाला नहीं ले, छोटा वाला ले, उससे जो है आपको भिगो देना 1 चम्मच मेथी। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी में वो हार्मफुल इफेक्ट्स शो करते हैं। तो 1 चम्मच मेथी पानी आप मतलब मेथी को पानी में आपने भिगो दिया। मॉर्निंग में क्या करिए, उस मेथी को खा लीजिए और पानी को पी लीजिए, या दोनों एक साथ ही आप खा पी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। बहुत सारे लोग मे भी उनको नहीं खाना अच्छा लगता होगा तो दूसरा तरीका हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। या तो आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में उठ जैसे आप उठते हैं, या तो फिर आप रात में भिगो लीजिए। रात में आपने भिगो लीजिए, भिगो लिया, सुबह क्या करिए उस पानी को थोड़ी देर तक बॉईल करिए। बॉईल करने से क्या होगा, मेथी के अंदर का जितना भी मटेरियल होगा वो सारा कुछ जो है पानी में निकल जाएगा। फिर आप छान लीजिए, चाहे तो आप मेथी खा सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर का जितना भी सब्सटेंस है वो सब निकल गया है आप फेंक भी सकते हैं। मेथी नहीं तो फेंक दीजिए, उसका जो पानी है वो छानने के बाद पानी पी लीजिए। ये तो 2 तरीका हो गया। इन्हीं 2 तरीके से आप मेथी पानी का यूज कर सकते हैं। और क्या करिए, कोई भी सब्जी बनाइए, कुछ भी बनाइए, हर में आप मेथी का यूज कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में मेथी भी मिलेगा और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। इसी तरीके से नॉर्मल पर्सन भी यूज कर सकता है और एक डायबिटिक पेशेंट भी इसी 2 तरीके से, जो भी तरीका आपके लिए सुटेबल, उन दोनों तरीकों को फॉलो करके, अगर आपको डायबिटिक है, आपको पता चल गया, डॉक्टर ने बता दिया कि धीरे 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 आपके बॉडी में आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, आपको पता चल गया कि हमें डायबिटीज हो चुका है, आइए वहां से हॉस्पिटल से आने, चेकअप कराने के बाद अगले दिन से क्या करिए, मेथी पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। आप 1 महीने के अंदर फिर जाइए अपना चेकअप कराइए, देखिए आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कितनी जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो वो भी जो है क्या कर सकता है, जब भी अपना टेस्ट करा के आए तो टेस्ट कराइए, देखिए तब कितना कोलेस्ट्रॉल है, उसी दिन से मेथी पानी स्टार्ट कर दीजिए पीना। उसके बाद 1 महीने बाद फिर से आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट कराइए, तब देखिए कितनी जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो मेथी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आप इनको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तभी आपको इनके बेनिफिट्स दिखाई। इन्हीं 2 तरीके से यूज करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं, बढ़े हुए शुगर लेवल को भी कम कर सकते हैं, और उसके साथ अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर लिया, वेट को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज से जो भी वीडियो सुन रहा है वो मेथी पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। अब अगर बाल झड़े, बालों में हम मेथी का कैसे यूज करें, सिंपल तरीका है, मेथी को जब आपने भिगो दिया है बस थोड़े से पानी में भिगोइए जितने आपके बालों में लग जाए। फिर क्या करिए, थोड़ा सा उसे पीस लीजिए, पीसने के बाद अपने पूरे बालों में लगा लीजिए। 2-3 दिन तक आपके बाल बहुत ज़्यादा स्लिपरी लगेंगे और उसके साथ साथ मेथी की बदबू भी आएगी, आपके बालों से स्मेल भी आती है वो, लेकिन कुछ दिन के अंदर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा।
यहाँ पे ये नहीं कि हम मेथी भी यूज करें फिर हम शैम्पू भी कर लें। जिस दिन आप मेथी यूज करें उसके कम से कम एक हफ्ते तक शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है। आप खुद ही रिजल्ट आपको कुछ दिन में खुद ही दिखाई देंगे। इस तरीके से आप डैंड्रफ को भी कम कर सकते हैं, साथ साथ में हेयर फॉल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज से मेथी पीना स्टार्ट कर दीजिए, मेथी पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपको आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।